पता होना चाहिए। बाकी पांच महाविहार है, दे कैन आस्क यू द फैक्चुअल डेटा फ्रॉम द महाविहार। उसमें नालंदा तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास, प्लीज रेफर योर नोट्स ऑन नालंदा, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट फॉर 30 मिनट्स ऑन नालंदा, मैंने उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद सोमापुरी, सोमापुरी बेसिकली इज इन बांग्लादेश एज ऑफ नाउ, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसकी पता होनी चाहिए, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी करते हैं, चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल राइट। सो एक ये मिलेगा। दूसरा उदानपुरी, उदानपुरी मैंने आपको बताया कि गोपाल ने बनाई थी, गोपाल बेसिकली द फाउंडर ऑफ दी पाल डायनेस्टी, और ये जो उदानपुरी की मोनेस्ट्री थी वो बख्तियार खिलजी ने तोड़ी थी, ठीक है। सो नालंदा भी बख्तियार खिलजी ही तोड़ता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, नालंदा को तोड़ने वाला जो पर्टिकुलरली किंग था वो भी बख्तियार खिलजी था, 1192 के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था, बिटवीन अ पीरियड ऑफ 1192 टू 1195, तो इसी दौरान उसको भी तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद विक्रम सिन्हा, एज आई टोल्ड यू, विक्रम सिन्हा वाज एस्टैब्लिश बाय द धर्मपाल किंग, व्हिच इज इन बिहार ओनली, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो वहां पे ये बनाया जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू, विक्रम सिन्हा वाज अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिज्म में आपका वज्रयान का काफी डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। सो वी फाइंड वज्रयान का काफी डेवलपमेंट आपको इसके अंदर से मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको जो पांचवी है वो है जगदल्ला, जगदल्ला वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वज्रयान सेक्ट, एज आई टोल्ड यू ईस्ट इंडिया पाल डायनेस्टी वज्रयान 8th सेंचुरी का पूरा डेवलपमेंट हो चुका था, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये भी पॉइंट इसके अंदर से आपको मिलेगी। द किंग रामपाल, वन ऑफ द लेटर किंग्स ऑफ द पाल डायनेस्टी, उन्होंने बेसिकली इसको बनाया था। तो ये फाउंडर्स के नाम कभी कभी पूछता है, दे विल आस्क यू द नेम ऑफ द फाउंडर्स एज वेल, तो फाउंडर्स के नाम से क्वेश्चन आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसका एनालिसिस भी पता होना चाहिए। एनालिसिस एक ही है कि दिस फाइव यूनिवर्सिटीज यूज्ड टू वर्क इन अ नेटवर्क, हाँ ठीक है। तो अगर आपको नालंदा जाओगे तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ मिक्स एजुकेशन ऑन महायान, द हीनयान एंड अदर सेक्ट्स एज वेल, बट हियर इन द विक्रमशिला जगदल्ला वहां पे आपको वज्रयान का ज्यादा फोकस मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, एंड दे वर ऑल अंडर द स्टेट सुपरविजन, मेरा मानना है कि स्टेट ने सिलेबस भी डिजाइन किया होगा और उस टाइम पे यूजीसी जैसी बॉडी भी बनाई होगी जो बेसिकली जो है ना ये पांचों के पांचों को चलाती होगी कोऑर्डिनेशन के रूप में, इंटरलिंक इंस्टीट्यूशंस के रूप में। खैर ये चीज दर्शाती है कि इसको हम लोग गोल्डन एज के रूप में क्यों पहचानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गोल्डन एज ऑफ बंगाल, गोल्डन एज ऑफ बंगाल किसने बनाया था, गोल्डन एज ऑफ बंगाल वाज अंडर द पाल डायनेस्टी, पहला पॉइंट तो ये फैक्चुअली पता होना चाहिए, फैक्चुअल एनालिसिस जब हम लोग करेंगे। एंड उसके साथ साथ अदर पॉइंट्स जो यहां से पूछे जा सकते हैं वो है मैच द फॉलोइंग के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गए दोस्त, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पाल डायनेस्टी एंड द पाल रूलर्स, पाल डायनेस्टी से थोड़ा आगे चलते हैं।